दोस्तों आज की वीडियो में मैं स्वामी एंड फ्रेंड्स के हमने 10 चैप्टर्स अभी तक कवर किए हैं उनके कुछ क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करूंगा जो हो सकता है आपके बहुत काम आए और ये क्वेश्चन आंसर्स मैंने खुद ने तैयार किए हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैंने जितने भी चैप्टर्स कवर किए हैं ऊपर लिंक आ रही है, इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, विच वॉज द आरके नारायण फर्स्ट ट्रिलॉजी नोवल। आरके नारायण की पहली ट्रिलॉजी नोवल कौन सी थी? तो दोस्तों स्वामी एंड फ्रेंड्स। विच क्रिकेटर्स आर मेंशन इन द नोवल, इस नोवल के अंदर किन क्रिकेटर्स के नाम लिए गए हैं? तो दोस्तों सबसे पहला जैक होप्स, दूसरा डोनाल्ड ब्रैडमैन, तीसरा डुलीप और चौथा टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वॉज द राइटिंग स्टाइल ऑफ आरके नारायण, आरके नारायण की राइटिंग स्टाइल कैसी थी? तो दोस्तों इसका जवाब होगा, आरके नारायण राइटिंग टेक्निक वॉज अनप्रटेंशियस विथ नेचुरल एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमर अबाउट इट, इट फोकस्ड ऑन ऑर्डिनरी पीपल। तो अनप्रटेंशियस थी यानी कि सरल थी, नेचुरल एलिमेंट्स को लेकर के चलते थे और ऑर्डिनरी पीपल यानी कि साधारण लोगों पर ज्यादा फोकस करते थे। विच राइटर इज कंपेयर टू आरके नारायण, आरके नारायण की तुलना किस राइटर से की जाती है? तो दोस्तों नारायण्स राइटिंग स्टाइल वॉज ऑफन कंपेयर टू दैट विलियम फॉकनर, विलियम फॉकनर की राइटिंग स्टाइल से नारायण आर के नारायण की तुलना की जाती है। सिंस बोथ देयर वर्क्स ब्रॉट आउट द ह्यूमर एंड एनर्जी ऑफ ऑर्डिनरी लाइफ व्हाइल डिस्प्लेइंग कंपैशनेट ह्यूमनिज्म, और दोनों ही ऑर्डिनरी लाइफ के ह्यूमर और एनर्जी को दिखाने की कोशिश करते हैं। फ्रॉम विच डे डज द नोवल स्टार्ट, ये नोवल आर के नारायण की जो नोवल है स्वामी एंड फ्रेंड्स कौन से दिन से स्टार्ट होती है? तो दोस्तों इसका जवाब होगा मंडे मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ स्वामी मैथमेटिक्स टीचर, स्वामी के मैथमेटिक्स के टीचर का नाम क्या था? तो दोस्तों ये नाम है उनके टीचर का, स्वामी के मैथमेटिक्स के टीचर का, मुझसे प्रोनाउंस नहीं होगा, आई एम सॉरी, आप देख लीजिएगा। व्हाट वाज द नेम ऑफ स्वामी हिस्ट्री टीचर, स्वामी के हिस्ट्री टीचर का नाम क्या था? तो दोस्तों डी पिल्लई, जो स्वामी और उसके क्लासमेट्स को हिस्ट्री की पढ़ाई करवाने की बजाय हिस्ट्री की इधर उधर की कहानियां सुनाना ज्यादा पसंद करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ स्वामी स्क्रिप्चर क्लास टीचर, स्क्रिप्चर के क्लास टीचर का नाम क्या था? तो दोस्तों कई बार बता चुका हूं, मिस्टर एबेनेजर, अ रिलीजियस फैनेटिक, एक धार्मिक कट्टरपंथी आदमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबेनेजर वॉज कंपेयरिंग टू, एबेनेजर किसको किससे कंपेयर कर रहा था? तो दोस्तों लॉर्ड कृष्णा को जीजस से। What was the name of Swami's school? Swami के स्कूल का नाम क्या था? तो दोस्तों मिशन स्कूल। Next question, Swami and Mani were sitting on the bank of which river? Swami और Mani किस नदी के किनारे बैठे थे? तो दोस्तों इसका जवाब होगा सरयू नदी। Next question, What was the job of Rajam's father? Rajam के फादर की जॉब क्या थी? तो दोस्तों पुलिस सुपरिटेंडेंट। Next question, Who wants to tell Swami about his brilliant grandfather's story? स्वामी को उसके ब्रिलियंट ग्रैंडफादर की स्टोरी कौन सुनाना चाहता था? तो दोस्तों उसकी ग्रैंडमदर, उसकी ग्रैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनिशियली हु टोल्ड स्वामी अ टेल, सबसे शुरुआत में स्वामी को टेल किसने कहा था? सबसे पहले इस नोवेल में उसे राजम की पूंछ किसने कहा था? तो दोस्तों इसका जवाब होगा शंकर, सोमू और मटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वॉज द फर्स्ट शॉक इन स्वामीज लाइफ, स्वामी की जिंदगी का सबसे पहला झटका उसे क्या मिला? तो दोस्तों इसका जवाब होगा हाउ क्विकली पीपल चेंज, कि लोग कितना जल्दी बदल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डे डिड स्वामी होस्ट राजम, कौन से दिन स्वामी ने राजम को होस्ट किया? तो दोस्तों ऑन सैटरडे, शनिवार के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर स्वामी होस्टेड राजम, स्वामी ने राजम को कहां होस्ट किया? तो दोस्तों इन हिज फादर्स रूम, अपने पिता के रूम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू होम स्वामी आस्क्ड टू वियर गुड क्लोथ्स ड्यूरिंग राजम्स विजिट, राजम के विजिट के दौरान स्वामी ने किससे अच्छे कपड़े पहनने को कहा? तो दोस्तों टू हिज कुक, अपने रसोइये से। हु गिव्स अ लॉन्ग लेक्चर ऑन द वैल्यू ऑफ फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप की वैल्यू पर एक लंबा लेक्चर किसने दिया? तो दोस्तों इसका जवाब होगा राजम। जब वो लोग आपस में झगड़ रहे थे तो स्नैक्स खाने के बाद में राजम ने दोस्ती की वैल्यू पर एक लंबा सा लेक्चर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड सोमू टेक फ्रॉम राजम्स टॉयज, जब राजम अपने टॉयज उन लोगों को बांट रहा था तो
सोमू ने उन टॉयज में से क्या लिया? तो दोस्तों, सोमू गेट्स अ न्यू बेल्ट। सोमू ने एक नई बेल्ट ली। हु टोल्ड स्वामी दैट ही इज गोइंग टू गेट अ न्यू बेबी ब्रदर नाउ? स्वामी अब एक नए बेबी ब्रदर का भाई बनने वाला है। ये न्यूज उसे किसने दी? तो दोस्तों, इसका जवाब आएगा हिज ग्रैनी, उसकी ग्रैनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू हुम डिड स्वामी से दैट हिज ब्रदर सीम्ड अ फनी लुकिंग क्रीचर? स्वामी ने किससे कहा कि उसका भाई जो है वो एक फनी लुकिंग क्रीचर लग रहा था? तो दोस्तों, मटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ट्राइड टू ब्राइब स्कूल क्लर्क? स्कूल के क्लर्क को किसने ब्राइब करने की कोशिश की? तो दोस्तों, मनी ने, बिफोर हिज एग्जाम्स, उसके एग्जाम्स के पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड स्वामी थिंक ऑफ स्टडिंग द मैप ऑफ यूरोप? जब स्वामी यूरोप का मैप स्टडी कर रहा था तो उसने क्या सोचा? तो दोस्तों, इसका जवाब होगा ही थिंक्स दैट परहैप्स दे लुक डाउन फ्रॉम हाई प्लेस टू सी द शेप ऑफ कंट्रीज। शायद मैप बनाने वाले किसी ऊंची जगह पर चढ़ करके कंट्रीज की शेप देखते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड हिज फादर से अबाउट द लिस्ट मेड बाय स्वामी? जो लिस्ट स्वामी ने बनाई थी कॉम्प्लिकेटेड सी, उसके बारे में उसके फादर ने क्या कहा? उस लिस्ट को उसके फादर ने क्या कहा? तो दोस्तों, इसका जवाब होगा प्रीपोस्टरस, यानी कि एक बेहुदा सी लिस्ट, एकदम निरर्थक, और इसके लिए उन्होंने प्रीपोस्टरस शब्द का यूज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड स्वामी राइट इन द लास्ट आंसर ऑफ हिज फाइनल एग्जाम? अपने फाइनल एग्जाम के लास्ट आंसर के अंदर स्वामी ने क्या लिखा? तो दोस्तों, स्वामी रोट अ सिंपल सिंगल लाइन आंसर, लव ऑफ गोल्ड बैंगल कॉस्ट वन वंस लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ड्यूब्ड स्वामी ड्यूरिंग हिज हॉलीडेज? स्वामी को उसके हॉलीडेज के दौरान किसने ठगा? तो दोस्तों, कोचमैन, एक तांगे वाले ने। और आज की वीडियो का हमारा आखिरी क्वेश्चन ये है, हु मेड द प्लान टू किडनैप कोचमैन सन? उस तांगे वाले के बेटे को किडनैप करने का प्लान किसने बनाया था? तो दोस्तों, राजम ने।